हे वीरो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम जानने वाले कि इंस्टाग्राम पे जो हाइलाइट्स कवर होते हैं वो कैसे बनाते हैं। आपने बहुत लोग इंस्टाग्राम के अकाउंट्स में देखा होगा, अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में देखा होगा, हाइलाइट्स में बहुत कूल लगता है, हाइलाइट्स में बहुत अच्छा दिखता है आपके अकाउंट बहुत। अगर आपको भी इस तरह का हाइलाइट्स कवर बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेसिकली दो टाइप के हाइलाइट्स कवर होते हैं, इक्वल कवर होता है, स्टैंडर्ड कवर होता है। इक्वल कवर यानी कि आपको जो हाइलाइट्स कवर मिलेंगे वो सेम कलर के मिलेंगे, एंड स्टैंडर्ड कवर यानी कि आप वहाँ पर हाइलाइट्स कवर आपके हिसाब से डिफरेंट कलर लगा सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल कवर इस टाइप का रहता है, यहाँ पे आप इस टाइप के भी रख सकते हैं, सिर्फ आइकन अलग रहेंगे बट यहाँ पे कलर सेम रहते हैं इसके। ये भी बहुत बहुत मस्त लगता है, बहुत कूल लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड कवर यूज़ किया अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो आप देख सकते हो। अगर आपको इस तरह का बनाना है तो आप इस तरह का भी बना सकते हो, नहीं तो फिर जो मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में रखा उस तरह भी बना सकते हो। तो आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसका नाम कैनवा है। तो आपको ऐप बहुत कम एम बी का ऐप है, 20 to 25 MB का ऐप है, डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। एंड फिर अब थोड़ी देर वेट करना ओपन होने के लिए। एंड आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लाइव साइन अप करके रखा है, आपको साइन अप कर लेना है ईमेल से। एंड आपको इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा, आप बहुत कुछ बना सकते हो, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम कवर, गेमिंग के लिए लोगो, या फिर बहुत टेम्पलेट, अलग अलग टेम्पलेट आपके बिजनेस के रिलेटिव बहुत कुछ मिलेगा। आप बहुत कुछ अगर आपको कोई ऑफिस के रिलेटिव बनाने हैं, आप भी उस टाइप के डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट मिल जाएंगे, यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि बाकी नॉलेज बट आपको इंस्टाग्राम स्टोरी आपको सर्च कर लेना है, आपको जो आइकन बनाना है हाईलाइट्स के लिए, सॉरी मैंने आपको पोस्ट सर्च कर लिया, आपको स्टोरी सर्च करना है। स्टोरी पे सर्च करने वाले ब्लैंक ऑप्शन चॉइस कर लेना है, देख सकते हैं ब्लैंक ऑप्शन है, आपको ब्लैंक पे क्लिक करना है। एंड आपको इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। एंड फिर आपको राइट में राइट कॉर्नर में आपको प्लस का साइन है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको इलस्ट्रेशन सर्च करना है। इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो, इलस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। आपको डक का साइन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्कैप सिलेक्ट करना है, आपको अपने हिसाब से स्कैप चॉइस करना है, ट्राइंगल, स्क्वायर, बट यहाँ पे मैं सर्कल चॉइस कर लेता हूँ। फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी कस्टमाइज कर सकते हो, आगे पीछे रखना तो रख सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे नॉर्मल रहने दूंगा। एंड फिर आपको कलर चॉइस कर लेना, आपको आपके सर्कल का कलर किस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे कलर है, मैं यहाँ पे नॉर्मल सा ब्लू रख लूंगा, नियॉन ब्लू। एंड फिर आपको यहाँ पे वापस से जाना है इलस्ट्रेशन में। ठीक है, इलस्ट्रेशन में जाके आपको लास्ट में आइकन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड फिर आपको अपनी स्टोरी के रिलेटिव आपको यहाँ पे आइकन सर्च करना है, आपकी स्टोरी में क्या है उसके रिलेटिव आपको आइकन सर्च करना है। जैसे कि मैं यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ, मेरे स्टोरी जो है उसके ऊपर ही है, तो मैं यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब सर्च किया है, आई होप यहाँ पे होगा उसका आइकन, आप इसका आइकन है। तो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना वो आइकन, एंड उसको अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर लेना, जैसे आपको जिस हिसाब से रखना है आइकन उस हिसाब से इसको रख सकते हो। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से आइकन रख लेता हूँ। तो यार ये बन गया, या इसे आपको बाकी सब अपने हिसाब से हाइलाइट्स कवर बनाने जैसे मैंने बनाया, बहुत सिंपल है, आपको सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको गैलरी में दिखा देता हूँ, वो आइकन आ चुका रहेगा, वो कवर आ गया रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे वहाँ कवर आ चुका है। तो ऐसे आपको सब डाउनलोड करना है, ऐसे बहुत सिंपल मेथड है, एक ईजी मेथड भी है, अगर आपको देखना है तो ये देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ईजी मेथड भी बहुत सिंपल, मतलब बहुत, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही बनाने में तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको कैनवा वापस से ओपन करना है, और वही सिंपल आपको इंस्टाग्राम स्टोरी वापस से ऑन चालू कर देना है। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लिक करके चालू कर लेना इसको, और वापस से आपको ब्लैंक ऑप्शन चॉइस करना है। एंड फिर वापस से आपको प्लस के साइन पे क्लिक करके वापस से इलस्ट्रेशन में, और आपको टेम्पलेट में जाना। ठीक है, टेम्पलेट में सर्च करने, टेम्पलेट में जाने के बाद आपको हाईलाइट्स लिखना है। ओके, हाईलाइट्स जैसे आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे आइकन आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, इसके अंदर और भी आइकन है। जैसे कि मैं आप एक आइकन ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, आपको जिम का आइकन अच्छा दिख रहा है तो हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत सारे आइकन है तो भी कर सकते हैं। तो मैं और भी आइकन दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं और एक वापस से मेरे को हाईलाइट सर्च करना पड़ेगा, देख सकते हैं और भी आइकन है। तो मैं एक आइकन ओपन कर, जैसे शूज़ के आइकन के अंदर और भी आइकन है, देख सकते हो। तो ऐसे आपको बहुत सारे आइकन मिलेंगे, सिर्फ सिंपल वो आइकन चॉइस करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो और सिंपल बन जाएगा। तो ये भी एक ईजी मेथड है। तो यार वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड यार इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मैसेज हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखना यार।